नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं निशा। पुलिस थाना लांजी को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। लांजी क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 में ग्राम बिसोनी दुलापुर व इटोरा गांव में लगातार लोगों के घरों में रात्रि के समय अज्ञात नकाबपोश चोरों के द्वारा घरों के ताले तोड़कर अंदर सोने चांदी के गहने एवं नकदी रुपयों की चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। घर मालिकों द्वारा पुलिस थाना लांजी में रिपोर्ट की गई तथा पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए तथा SDOP लांजी श्री नितेश भार्गव के नेतृत्व में थाना प्रभारी लांजी संतोष पंद्रे जी एवं उनकी टीम लगातार नकाबपोश चोरों का पता लगाने में जुटी थी। दिनांक 23 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर भालवा निवासी तेजलाल पंद्रे पिता गोवर्धन पंद्रे को संदिग्ध पाते हुए लांजी पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों के नाम क्रमशः तिजेश उर्फ लालू मोहरे हट्टा, अरविंद दशहरे हट्टा, महेंद्र नागवंशी साखरी टोला महाराष्ट्र, सुनील ब्रह्मे साखरी टोला महाराष्ट्र के साथ लांजी क्षेत्र के करीब 6 मकानों के ताले तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही चोरी किया सामान बरामद कराया, जिससे लैपटॉप, मॉनिटर, मोबाइल, चांदियों के सामान तथा सोने के मंगलसूत्र, झुमके, अंगूठी, नथनी, टीवी, होम थिएटर जैसे अन्य कीमती सामान बरामद किए गए। इस प्रकार कुल 3,50,000 रुपए का सामान बरामद किया गया। आरोपियों को अन्य चोरी का खुलासा करने हेतु पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस उल्लेखनीय कार्य में पुलिस टीम का सहयोग रहा। निरीक्षक संतोष पंद्रे, उप निरीक्षक अजय जाट, उप निरीक्षक राकेश बघेल, उप निरीक्षक अवनीश पांडे, साइबर सेल एवं अन्य पुलिसकर्मी का सहयोग रहा।